मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2 नवंबर को भोरंज विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वे करोड़ों रुपए के कई विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रवास कार्यक्रम के अनुसार जयराम ठाकुर 2 नवंबर को सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से कंज्याण पहुंचेंगे। वे राजकीय महाविद्यालय कंज्याण के परिसर में एक साथ कई विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे तथा यहीं पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर बाद करीब 3 बजे मुख्यमंत्री शिमला लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 2 नवंबर को प्रस्तावित भोरंज विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। विधायक कमलेश कुमारी ने उपायुक्त देवश्वेता बनिक और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ भोरंज और कंज्याण में मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कंज्याण में उद्घाटन शिलान्यास स्थल और जनसभा स्थल का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उसके बाद विधायक ने भोरंज के विश्राम गृह में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। इस अवसर पर SDM राकेश शर्मा, विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी, भाजपा मंडल महामंत्री चमनलाल, अशोक कुमार और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।